हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल मदार। सो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपको इन्वर्टर से मोटर चलाकर दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर मोटर आपको चलाना है या मोटर घर पे चलाने में दिक्कत होती है इन्वर्टर से, तो आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए जिससे हमारे घर की मोटर जो होती है ना, ये पानी वाली, ये चल सके और हमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर बैटरा बड़ा होता है और इन्वर्टर छोटा होता है, फिर भी मोटर नहीं चल पाएगी, क्योंकि मेन जो होता है लोड उठाने का पावर वो इन्वर्टर में होता है। अगर आपका इन्वर्टर छोटा है और बैटरी जो है वो बड़ी है, तो आप फिर भी आपकी जो है मोटर नहीं चल पाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए जो मोटर घर की चला दे, और कौन सा मॉडल लेना चाहिए जो हमारे घर पर आसानी से मोटर चला दे फ्रेंड्स। क्योंकि अक्सर ये होता है कि दो तीन दिन लाइट नहीं आती है, फिर हमें मोटर में दिक्कत हो जाती है पानी वगैरह की, तो इसके लिए हमें मोटर चल जाना चाहिए आधा एक घंटा। तो ऐसा सब बैटरी जो होती है वो मोटर चला देती है, बट इन्वर्टर जो होता है छोटा होने की वजह से हमारे घर की मोटर वगैरह नहीं चला पाता है। तो आज की हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि आपको मोटर चलाने के लिए कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर नहीं लेना चाहिए। मेरे पास जो एक इन्वर्टर है वो अमेज कंपनी का है, 1075, मतलब ये जो है वो 700 वाट की समथिंग है। दूसरी तरफ जो है वो 900, ये भी 900 है, ये भी लगभग 700 वाट की समथिंग ही है। और दूसरी तरफ जो बैटरी है वो एक 225 एएच की है, और बैटरी से कोई मतलब नहीं होता है कि आपके घर मोटर चल रही है नहीं चल पा रही है। अगर बैटरी छोटी 100 एएच की भी होगी और इन्वर्टर बड़ा होगा, फिर भी आपके घर की मोटर चल जाएगी। तो पहले तो मैं आपको तो अमेज के इन्वर्टर जो है वो 1075 है, तो इस पे जो है बैटरी लगी हुई है। मैंने इस बैटरी पर दोनों इन्वर्टर के तार लगा रखे हैं, दोनों को मैं पहले जो है माइक्रोटेक का दिखा देता हूं आपको। माइक्रोटेक की भी 900 पर मोटर चलाकर, और मोटर के जो तार हैं वो ये हैं, और ये मोटर लगी हुई है। और फ्रेंड्स, मैं जो हूं इसके बैक साइड में, तो मैंने जो है इसके इन्वर्टर को जो है ऑफ किया पहले, उसके बाद मैं जो हूं वो तार लगा ले रहा हूं इसमें। और इन्वर्टर के जो है वो मैंने तार लगा लिए हैं, और अब मैं इसको खोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि बैटरी जो है ओवरलोड, बैटरी लो दिखा रहा है, ये ओवरलोड दिखा रहा है, फिर बैटरी लो दिखा दे रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, एक बार राउंड घूमने के बाद। और ये जो है इन्वर्टर बंद हो जा रहा है ऑटोमेटिक, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है अभी। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है वो अमेज के इन्वर्टर पर लगाकर फिर आपको अमेज का इन्वर्टर के दिखाते हैं कि अमेज का इन्वर्टर जो है वो मोटर चला पा रहा है या नहीं। तो वीडियो पे बने रहिए, और फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बहुत सारी मैं वीडियोस लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए फायदेमंद होने वाली होती है। फ्रेंड्स, पहले मैं इन्वर्टर को ऑफ कर लिया है मैंने, अब मैं जो हूँ वो बैक साइड में इन्वर्टर के मोटर के तार लगाता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मोटर के तार जो है मैंने लगा लिए इन्वर्टर में, और इन्वर्टर जो है इस टाइम ऑफ है, तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मोटर जो है वो घूम रही है, बट मोटर जो है पूरे राउंड नहीं बना रही है, और मोटर के पूरे राउंड ना बनाने से इसमें जो है वो ओवरलोड की लाइट जल रही है। आप देख सकते हो ओवरलोड, ये जो लाइट जल रही है ओवरलोड की। हम दोबारा इसको ऑफ करके ऑन करते हैं। तो अभी भी मोटर नहीं पूरी तरह से चल पा रही है, और इसमें जो है वो ओवरलोड का ऑप्शन जलने लगा है। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए जो मोटर वगैरह चला दे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कि ये जो है इन्वर्टर ऑन है और मोटर जो है वो चल रही है, और पानी वगैरह भी सब कुछ मतलब उठा रही है, और जो है इन्वर्टर के पीछे तार लगे हैं मोटर के। और अभी हम इसको ऑफ करके दिखाएंगे, क्योंकि दो बार जो है बंद ओवरलोड दिखाने की वजह से बंद हो गया था, अब जो है तीसरी बार में इसने पानी मोटर को जो है वो उठा दिया है, चलाने लगा है। अब हम इसको बंद करके फिर से बंद कर दिया है अब हमने, और हम दोबारा हमने इसको ऑन किया, और दोबारा भी मोटर आराम से चल गई है। अब आप देख सकते हो कि अमेज AQ 1075 ने मोटर चला दिए, वहीं दूसरी तरफ जो माइक्रोटेक है उसने जो है मोटर नहीं चला पाई। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चल रही है, और ये जो माइक्रोटेक इन्वर्टर है इसने मोटर नहीं चला पाई और अमेज के इन्वर्टर में चला दी। तो फ्रेंड्स, अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा इन्वर्टर हमें मोटर चलाने के लिए लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो मोटर बड़ी भी है और मोटर इससे छोटी भी आती है, वो आराम से चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आपको दिखाता हूँ कि कितने एम्पीयर लोड चल रहा है इस पर। सत्रह एम्पीयर लोड चल रहा है लगभग इस पर।
आप देख सकते हो। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि हमें मोटर चलाने की कौन सी जो है इन्वर्टर लेना चाहिए। बैटरी से फ़र्क नहीं होता है 150 की है या 225 की है, मोटर अगर इन्वर्टर बड़ा है तब चलेगी, इन्वर्टर छोटा है तो तब नहीं चलेगी। फ्रेंड्स चलते हैं किसी और वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स।